हेलो दोस्तों, मैं हूं गणेश और आप देख रहे हैं कारवां। आज मैं आपके सामने प्यार की सच्ची घटना पर आधारित दर्द भरी कहानी लेकर आया हूं। इस कहानी की शुरुआत दशहरे के दिन से होती है। पूर्णिमा अपने दोस्तों के घर रावण दहन देखने के लिए जाती है, जहां उसकी मुलाकात उसके दोस्त के चचेरे भाई हेमंत से हो जाती है। दोनों एक दूसरे को जानते हैं और फिर दोस्ती हो जाती है। हेमंत से ये मुलाकात पूर्णिमा के लिए कुछ नया था। अब तो हेमंत और पूर्णिमा का मिलना जुलना बढ़ गया। कुछ दिन बाद और देखते देखते दोनों अच्छे दोस्त हो गए। हेमंत और पूर्णिमा की ये दोस्ती बहुत आगे बढ़ने लगी। अब तो हेमंत को पूर्णिमा से प्यार हो गया और उसने पूर्णिमा से अपने प्यार का इजहार तक कर दिया। हालांकि पूर्णिमा थोड़ा असहज हुई, क्योंकि उसके जीवन के इस खालीपन में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी के वह पहली बार इतना करीब आई थी और प्यार का इजहार उसके सामने करना सब नया था पूर्णिमा के लिए। पूर्णिमा ने तब तो कुछ नहीं कहा। बाद में हेमंत के बारे में सोचती और अपने ख्वाबों में बुनती रहती और अपने मन में ख्वाबों को बुनती रहती। कई बार तो यह बात उसने हेमंत से भी साझा की और जो बात आगे बढ़ी तो पूर्णिमा के खालीपन की जगह जो हेमंत का ऐसा असर हुआ कि अब तो पूर्णिमा को हेमंत से प्यार हो गया। अब दोनों की प्यार परवान चढ़ने लगी और दोनों के प्यार की ऊंचाई आसमान छूने लगी। बात लोगों तक पहुंच गई थी और बात इतनी बढ़ी कि दोनों के परिवार वालों तक पहुंच गई। बात जब पूर्णिमा के परिवार वालों तक पहुंची तो पूर्णिमा के परिवार वालों ने पूर्णिमा को काफी समझाया। परिवार की मान मर्यादा व इज्जत न जाने कितने कितने ताने दिए। कई बार तो पूर्णिमा के परिवार वालों ने उसे मारा तक, उसे शारीरिक और मानसिक पड़ताना भी दिया। पर कहते हैं ना, प्यार के लिए ये सब बहुत छोटी सी चीज है। शायद इसीलिए पूर्णिमा के प्यार के सफर में उसका कदम का पीछे न हटना ही गवाही देती है। समाज की रूढ़िवादी और परिवार के लाख कोशिश के बाद भी जब ये रिश्ता नाकाम होता दिखा तब इन दोनों परिवारों के बीच में एक दलील थी कि दोनों एक ही जाति व समाज के हैं। जब दोनों के रिश्तों के नामंजूर करने की शारीरिक कोशिश नाकाम हो गई तब दोनों की सगाई करवा दी गई। इसे पूर्ण रूप से प्यार की जीत तो नहीं कह सकते, पर हाँ, ये एक पड़ाव तो जरूर था। शारीरिक व मानसिक पड़ताड़ना से छुटकारे का यह एक पड़ाव तो जरूर था। समाज के लोगों से मिलने वाले ताने का यह एक पड़ाव तो जरूर था। समाज से मिलने जुलने वाली पाबंदी का। बहरहाल दोनों अब एक ऐसे रिश्ते में बन चुके थे जहाँ वो अपने शादी के और आने वाले कल के, जिसमें वो साथ होंगे, ख्वाबें संजो रहे थे। पर कहानी का यह सफर यहाँ खत्म नहीं होता है। कहते हैं ना, नियत जिंदगी के पड़ाव को कब आखिरी पड़ाव बना दे कोई नहीं जानता। कल गंगौर है। आज पूर्णिमा बहुत खुश थी कि कल गंगौर है और हेमंत उसे मिलने आने वाला है। बात थोड़ी सामान्य होने लगी थी और घर के लोग में भी थोड़ी खुशी थी। पूर्णिमा खुद को संवारती है, बार बार आईना में खुद को निहारती है। आज बहुत खुश है, मानो चकोर को चांद से मिलने के सारे विध्वंस खत्म हो गए हो, सारे इंतजार खत्म हो गए हो। हालांकि अब तो इंतजार था कल का। पूर्णिमा के लिए ये पल मानो एक एक दिन हजारों हजारों वर्षों का था। यह प्रतीक्षा एक एक पल बड़ी कठिनाइयों से बीत रही थी, लेकिन मन में मिलने की उत्कंठा व आशा थी, पर वह बहुत ही खुश थी। क्या पूर्णिमा की मुलाकात हेमंत से हो पाती है? जानने के लिए देखिए कहानी का दूसरा भाग। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और उत्साह बढ़ाएं।